हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुशवा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, क्या बताऊंगा? मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, मगर इससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपना पहला पॉइंट है, देखिए अपना पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, कौन सी है? राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। कौन सा है? राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। ठीक है, देखिए अपना सफ़ेद लिली है, इसका मैंने आप फोटो लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष बरगद है, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। ठीक है, ये रहा अपना बरगद, बरगद का वृक्ष। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी दूधराज है, इसके अन्य नाम सहाई बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, महारानी हुसैनी बुलबुल और टिटैनी है। ठीक है, ये क्या है? इसके अन्य नाम है। ठीक है, देखा, ये रहा अपना दूधराज पक्षी। ठीक है, इसका मैंने फोटो भी लगा दिया है। देखिए अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु बेडररी प्रजाति का बारहसिंगा है, जिसे दलदल का मृग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दलदल का मृग, जो कि एक हिरण जाति का है। कौन सी जाति का है? हिरण जाति का है। ठीक है, ये रहा अपना बारहसिंगा। ठीक है, देखिए अपना अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मछली महासीर है। कौन सी है? महासीर। ये क्या है? राजकीय मछली है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर टोर है। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर टोर। ठीक है, ये रही अपनी मछली। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल मलखम्ब है। क्या है? मलखम्ब। ये रहा अपना खेल का चित्र। ठीक है, मलखम्ब। देखिए अपना अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय फसल सोयाबीन है। ठीक है, क्या है? सोयाबीन। ये रही अपनी सोयाबीन की फसल। ठीक है, और हाँ, इसको मैं एक बात और बता दूँ, जो सोयाबीन की खेती है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में ही होती है। क्या? अपने पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नाट्य क्या है? माच है। ये क्या है? राज्य की नाट्य क्या है? माच। ये रहा अपना राज्य की नाट्य। ठीक है, इसका चित्र है। देखिए अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय नृत्य क्या है? राई है। ठीक है, ये रहा अपना राजकीय नृत्य का चित्र। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ये रहा अपना राज्य की चिन्ह है। ठीक है, देखिए मैं इसके बारे में विस्तार से बता दूं, ये क्या है? 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है। ये देख लो, ये गिन लो, कितनी होंगी? 24 है टोटल। कितनी है? 24 स्तूप आकृति हैं, और इसके अंदर, इस व्रत के अंदर मध्य प्रदेश शासन तथा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये देख लो, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते भी लिखा है, और मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये क्या है? गेहूं और धान की
बालियां हैं, ठीक है, ये रही गेहूं और धान की बालियां हैं। और क्या लिखा है देखो, व्रत के केंद्र में अशोक स्तंभ के सिंह की आकृति, ये रही देखो अशोक स्तंभ के सिंह, इसकी आकृति है। और राज्य के राज की वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है, ये क्या है बरगद का वृक्ष है इसके बीच में, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, कहाँ पर है, राजधानी भोपाल में है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय गान क्या है, मेरा मध्य प्रदेश है, और इसके लेखक कौन है, महेश श्रीवास्तव है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य की आधिकारिक वेबसाइट www.mp.nic.in है, क्या है, ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, क्या है, www.mp.nic.in है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, अगला है मध्य प्रदेश का संक्षिप्त नाम क्या है, m.pr.है, जिसे अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, MP भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। ये क्या है, मध्य प्रदेश का संक्षिप्त नाम है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।